एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त से होने जा रही है। आपको बता दें कि एशिया कप का फाइनल मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा और सभी टीमें एशिया कप को खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बता दें कि एशिया कप की मेजबानी इस बार यूएई में हो रही है और यूएई चौथी बार एशिया कप की कुल मिलाकर के मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले भी यूएई में 3 बार एशिया कप की मेजबानी हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि पहले 3 बार एशिया कप की मेजबानी जब यूएई में हुई तब वह वनडे फॉर्मेट में खेला गया था और इस बार यह T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इसके अलावा भारतीय टीम की बात करें तो वह डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी। टीम इंडिया यहां हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी और टीम चाहेगी कि जिस तरीके से साल 2016 साल 2018 में एशिया कप को जीता था उसी तरीके से तीसरी जीत हासिल की जाए। इसके अलावा भारतीय टीम 7 बार चैंपियन बन चुकी है और टीम इंडिया 8वीं बार चैंपियन बनने के इरादे से भी उतरेगी। वहीं यूएई में अगर भारतीय टीम का रिकॉर्ड देखें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड यूएई में काफ़ी शानदार है। जब जब यूएई में एशिया कप का आयोजन हुआ है तब भारत ही उसका चैंपियन बना है, यानी कि 3 बार एशिया कप की मेजबानी जब यूएई में हुई तब 3 बार भारत ही उसका चैंपियन था। इसके अलावा 4वीं बार भी इसी रिकॉर्ड को बरकरार रखने भारतीय टीम उतरेगी। भारतीय टीम सबसे ज्यादा बार फाइनल मुकाबले में भी पहुंची है और सबसे ज्यादा बार चैंपियन भी बनी है। एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया 4 बार एशिया कप में उतरी है और 2 बार चैंपियन बनी है। साल 2016 में भी टीम इंडिया इसकी चैंपियन थी, तब महेंद्र सिंह धोनी ही इसके कप्तान थे। बात करें अगर एशिया कप के रिकॉर्ड्स की तो किस टीम ने सबसे ज्यादा मुकाबले जीते हैं तो उसमें भारतीय टीम का नंबर आता है, जिसने सबसे ज्यादा 36 मुकाबले जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है जिसने एशिया कप में कुल 35 मुकाबले जीते हैं और पाकिस्तान की टीम का नंबर तीसरा है जिसने 28 मुकाबले जीते हैं। बात करें अगर रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा एशिया कप में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुकाबले खेले होंगे, सबसे ज़्यादा सीजन खेलेंगे। एशिया कप की बात करें तो रोहित शर्मा अपने 7वें सीजन में उतरने जा रहे हैं। एशिया कप के यूएई रिकॉर्ड्स को देखें तो भारतीय टीम का शानदार रिकॉर्ड है। अब तक साल 1984, 1995 और 2018 में एशिया कप यूएई में खेला गया, जहां भारतीय टीम 3 बार विजेता बनी और यह 3 बार वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। एशिया कप में भारतीयों के रिकॉर्ड की ओर नजर डालें तो सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा रन है, उनके नाम 971 रन है। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो उनके नाम 883 रन है। विराट कोहली का नंबर तीसरा आता है जिनके नाम 766 रन है और चौथे नंबर पर भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी है जिनके नाम 690 रन है। वहीं सबसे ज्यादा विकेट की ओर नजर डालें तो भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट एशिया कप में जडेजा ने चटकाए हैं, रविंद्र जडेजा के नाम 22 विकेट है। और दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इरफान पठान का नाम आता है जिनके नाम भी 22 विकेट है। वहीं तीसरे नंबर पर आर अश्विन है जिनके नाम 18 विकेट है। और बात करें अगर सचिन तेंदुलकर की तो वह भी इस लिस्ट में शामिल है जिनके नाम 17 विकेट है। बहरहाल आपको बता दें कि टीम इंडिया यूएई के लिए रवाना हो चुकी है और बाकी टीमों ने भी वहां पहुंचना शुरू कर दिया है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।